कोई 80 साल का, कोई 85 साल का, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। अरे इस अन्नदाता के ऊपर जो लाठियां चलाई, वहां से एक आवाज उठी किसान क्रांति की 10 सितंबर को जो आवाज उठी, आज पूरे हिंदुस्तान के हर गांव और गली गली में पहुंच चुकी है। मेरे किसान भाइयों, ये अन्यायी, ये अत्याचारी सरकार देख लो, आज पूरा 1 महीना हो चुका दिल्ली की सड़कों पर 1,20,00,000 किसान बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ, लेकिन 10 से मछलियों या सरकार, ये कैसा मोदी जी है? मोदी जी तेरे से गलती हो तो मान ले, ये किसानों के बीच आ जा तो ना हम फिर भी माफ कर देंगे, लेकिन मोदी जी जब पालना पड़े ये मसौदे तैयार करके भेजा है। हमारा सीधा फैसला है, ये तीनों काले कानून रद्द कर, पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला, ये तीनों काले कानून कैंसिल करे, उसके बाद अगली बात होगी। मोदी जी भारी परीक्षा मत ले, हिंदुस्तान का 140 करोड़ का पेट भरने वाला, अरे वो अन्नदाता एक बेटा उसका, देश की सीमा पर रक्षा करने वाला, अरे मोदी जी इतना बड़ा जुलम आज किसान और जवान को आमने सामने खड़ा कर दिया सरकार ने। राष्ट्रवाद की बात करता है, कभी किसानों को कहता है ये उग्रवादी, ये आतंकवादी, ये खालिस्तानी, कभी कहता है माओवादी है, कभी कहता है ये नक्सलवादी है। अरे किसान, ये किसान अन्नदाता का इतना बड़ा जुलम, इतना दुष्ट प्रचार, मेरे किसान भाइयों इसको सबक सिखाना है। या तो मोदी जी आवे, किसानों के बीच माफी मांगे, हम माफ कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी मारी परीक्षा मत ले, ना तेरी सरकार ने उखाड़ के फेंक दिया धोखे मरे जा। मैं इस मंच के माध्यम से मोदी जी तेरे को बता देना चाहता हूँ, हम आर पार के मानस हैं, रैप आदम छोट छोटराम की धरती के मानस हैं, पछे नटने वाले ना है। आज हिंदुस्तान का किसान लामबंद हो चुका है, ये धोखे मत रही है मोदी जी, चाहे कुछ भी हो जाओ हम कुर्बानी देने तैयार। अरे रोज अनार से जब बीजेपी के लोग भेजे हमारे धरना पहुंचे, वहां देखो जाके तब इस पर डिग्री बॉर्डर पे और भाई शंघू बॉर्डर पे 50 लड़कियां मिली है, बुरके पहन रही थी वो आर एस एस की लड़कियां, वो बम ले रही थी, वो बम भड़काना चाहते थे। तो भाई मेरे किसान भाइयों, यह आवाज जो उठी है किसान क्रांति की आवाज, इसको आपने ताकत देनी है और लाखों लाखों की तादाद में इस इलाके से पहुंचना चाहिए किसान, जिस शांतिपूर्ण तरीके से या तो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, या आज यह किसान क्रांति की लड़ाई लड़ी जा रही है, यह आपको बता देना चाहता हूं। इस मन से किसान ने कहीं कोई हरकत नहीं करी, अगर ये हरकत करी है बीजेपी के लोगों ने हरकत करी है, कहीं आज इसके लोगों ने हरकत करी है, अरे उस अन्नदाता का घोषणा चाहता है, ये राजन छोटराम ने वादा या अधिकार आपको 1938 के अंदर अंग्रेजों के साथ लंबी लड़ाई लड़ गए और ये अधिकार खोज लिए मारे, ये छोटा गोने हटाएंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी भाई, धोखे मत देना किसी मुगल के दमार मत आना। और ये जो अंडे है भाई, 700 पंचायत के हैं, 700 चौपाल पंचायत करने लग गया बीजेपी, इनका घोड़ा लाठी दे दो तू सब साजा, ये 36 बरादरी एक होगा, आज लड़ाई लड़ने लग रही है, पूरे हिंदुस्तान का किसान हो रहा है। और ये बकवास करते हैं, अगर हरियाणा पंजाब का किसान भाइयों, मैं परसों पहले दिन पलवल के धरने पर था, वहां 20 स्टेटों के किसान आए हुए हैं, जयपुर वाले उस पर जाकर देखो, शाहजहापुर बॉर्डर पर जाके देखिए, वहां 5 स्टेटों का किसान आ रहा है, गुजरात वाले कहने लगे भाई फूल आ गए हैं, वो आए कुछ आदमी निकल के वहां से।